गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। एक और नया दिन, एक और नई वीडियो की शुरुआत आज हो रही है 11:26, 26 minutes past 11 in the morning। और सूरज निकल आया है, मेरे चेहरे पे खुशी देख रहे होंगे आप कि भैया थोड़ी हीट मिलेगी, तो ये जो जुखाम जिसने मुझे परेशान कर रखा है पिछले तकरीबन एक हफ्ते से, इससे निजात मिलेगी। हालांकि कल भी थी सनलाइट अच्छी, परसों भी थी, सुबह सुबह धुंध रहती है, रात को थोड़ा ठंडक पड़ जाती है, पर सनलाइट अच्छी आ रही है आजकल। और अब भी सूरज मीठा मीठा सा आना शुरू हो गया है, थोड़ी देर बाद ये हल्के हल्के अपनी गर्मी दिखाएगा। तो चल रहे हैं अवेक एंड अलाइव तिलक नगर कॉन्टैक्ट सेंटर, और वहाँ पहुँचते हैं, फिर आपको मिलेंगे अगले अपडेट के साथ। आ गए थे हम 11:15 बजे, यू नो, 11:15 पे अवेक एंड अलाइव तिलक नगर कॉन्टैक्ट सेंटर। भाई साहब मेरे से जस्ट 5-7 मिनट पहले ही पहुंचे थे, आए, हमने किन्नो खाए बहुत सारे, और ये ग्रीन टी हमारी चल रही है, हमारी ठंडी का त्योहार, ठंडी का उत्सव, ये ग्रीन टी बहुत ज्यादा दिन बाकी नहीं है। और उसके साथ साथ हम लोग खा रहे थे ये सॉल्टेड पीनट्स, राइट। पर अभी एक बंदा ना ऐसा आया हुआ है जिसने पूरा दिमाग ऑक्यूपाई कर रखा है, आपके पास अटेंडेंस लगाना है, मेरे को कितना टाइम लग गया पता है, अब टाइम हो गया है 1:26, ऑलरेडी 2.25 घंटे हो चुके हैं और मैं आपको अटेंडेंस नहीं लगा पाया, कारण सिर्फ एक, वो रॉकी कोहली। अब फोन आया तो बाहर सुनने के लिए चला गया है, और मेरे को फंसा रखा है, देखो पेपर्स में कितने कागज वागज फैला के बैठा है यहाँ पे सब। ऐसा ही होता है भाई, ऑक्यूपाई कर लिया जाए ना जब दिमाग को, तो कुछ सोचने समझने की शक्ति खत्म सी हो जाती है। ये आ गया देखो, ये अब अपना फोन निपटा के ये आ गया, देखो ये देखो, इसने ऑक्यूपाई कर रखा है। 2.25 घंटे बाद मेरे को टाइम मिला कि मैं आपको अटेंडेंस लगा पाऊं। अब जब इसको मैंने पूछा खाने के लिए क्या लाया, तो कहता है बाहर चल के खाएंगे। क्या खिलाएगा? जो मर्जी खा, जो मर्जी नहीं, मैं तेरे को ही खा जाऊंगा आज, इतना फंसा रखा मेरे को। कागज यहीं रहने देते हैं और काम कर लेते हैं, और फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, व्हाटएवर हैपेंस। किसी काम की वजह से निकल गए हैं अवेक एंड अलाइव तिलक नगर कॉन्टैक्ट सेंटर से। अभी टाइम हो रहा है 2:26, 2:26 past 2 और ये काम करते हैं, इसमें आज थोड़ा ज़्यादा टाइम लगने वाला है, और फिर उसके बाद 4 बजे के करीब हम चलेंगे घर पे। अभी फ़िलहाल जिस काम के लिए निकले हैं पहले वो निपटा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले अपडेट के। ये देखो जी, कोशिश कर रहा है फ्लैग थोड़ा सा लहराने की, हवा है इतनी को, और क्योंकि धूप भी थी आज सुबह से, तो ठंड उतनी अभी नहीं है फिलहाल, और धुंध भी नहीं है, धुआं है थोड़ा सा, जैसे धुआं किससे है अभी ये नहीं समझ आ रहा। बाकी वो देखो पीछे फहरा रहा है, मतलब लहराने की कोशिश कर रहा है अभी फ्लैग, राइट। तो अभी फिलहाल किसी काम से जा रहे हैं, और घर पहुंचेंगे तकरीबन 4 बजे तक, अभी टाइम हो गया है 2:56, 3:03 after the noon, और भूख भी लगी है, तो देखते हैं कुछ खाने के लिए क्या मिलता है, मिलना क्या मतलब कहाँ मन जाता है, मिलने को तो सब कुछ मिलेगा। तो आज साउथ इंडियन का मन है, तो वणक्कम के नाम से एक है इधर विकासपुरी में, वणक्कम मद्रास कैफे, तो वहीं चलते हैं, कुछ खाते हैं और थोड़ा काम निपटाते हैं, और फिर 4-1 बजे के करीब पहुंचेंगे घर पे। वहां पहुंचे तो बैठने की जगह नहीं थी, पूरा हाउस फुल, देखो भैया इतना मशहूर है ये, इसका हाउस फुल रहता ही रहता है, तो पैक करा लिया है और घर चल के खाते हैं, क्योंकि जिनसे मिलना था, जो काम था, उनसे फ़ोन पे बात हो गई, वो अभी अवेलेबल नहीं है, देखते हैं कब अवेलेबल होते हैं, नहीं तो फिर रेस्ट मारेंगे यार, ठीक है। चलो चलते हैं घर, फिर दिखाते हैं आपको सांभर वड़ा क्या टेस्टी है। यहाँ आ गए हैं अपने सांभर, इधर सांभर, ये सफ़ेद नारियल चटनी, और ये लाल वाली चटनी, पता नहीं क्या क्या डालते हैं, टमाटर वगैरह जो भी डालते हैं, और ये रहे छुपे हुए, देखो कैसे पर्दे में छुपे हुए वड़े,
तो भैया भूख बहुत तेज लग रही है और टाइम हो गया है 3:14, 14 minutes past 3 after the noon। फटाफट से खाना खा लेते हैं और फिर मारेंगे थोड़ी सी लोट, क्योंकि अभी तक कॉल नहीं आया है। वेट कर रहे हैं, अगर मिलना होगा कॉल आएगी तो जाएंगे, नहीं तो मस्त सोएंगे और फिर अब आपको मिलते हैं चाय पे। अगर गए तो फिर साथ में मिल लेंगे, नहीं तो सीधा मिलेंगे अब शाम की चाय पे। 2 hours later हो गया जी, जैसा तैसा रेस्ट, जैसा तैसा ही हुआ है और तकरीबन 1.5 घंटा 1 घंटा मैं सो भी गया था। अभी टाइम आ गया है 5:47, ऑलरेडी 6:15 इन द इवनिंग। ये आ गई है अपनी चाय, ये कुकीज और ये हमारा सीड्स का पाउडर है। इधर मूड थोड़ा ठीक भी नहीं है, चाय पी लेते हैं फिर जो भी अगला अपडेट होगा मैं आपको बताता हूँ। 1 hour later तो जी टाइम थोड़ा सा और लगने वाला था, क्योंकि एक्चुअली में हमने जो 2 turbans नई ली है ना, ब्लैक एंड मरून, उनमें से अभी चल रही है ब्लैक टर्बन की ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या होती है, जब नई टर्बन लेते हैं तो बड़ी स्टिफ सी होती है, वो बड़ी खड़ी खड़ी सी, तो उसकी आकर तोड़ने के लिए ना हम उसको धो देते हैं पहले 1.5-2 घंटे भिगो कर अच्छे से, और वो चल रहा है उसका काम। तो अभी भी उसमें तकरीबन 10 मिनट लगने वाले थे, तो सर्दी को मद्देनजर रखते हुए ये हमारा आ गया है सूप। इट्स अ ब्रांड नहीं बताऊंगा, प्रीमिक्स जो आते हैं सूप वाले वही है, और ये है वेजिटेरियन मंचाओ सूप एंड आई हैव ऑल्सो एडेड सम सोया सॉस एंड ऑल्सो सम बटर टू इट। तो बड़ा टेस्टी सा होने वाला है यार, अब मुंह में पानी भी आ रहा है। तो भाई जब टेस्टी चीज़ है तो है ना, तो अपन ये सूप पी लेते हैं और उसके बाद फिर निकलेंगे बाहर और फिर गेड़ी और फिर फूड और वही रात वाले सारे काम, क्योंकि टाइम अभी जो हो गया है वो है 7:15, 7:15 इन द इवनिंग, लेटर इन द इवनिंग रैदर, और ठंड हो रही है तभी तो फटाफट सूप बनाया, हाथ जम रहे थे, कुछ भैया काम करना पड़ता है तो पानी लग भी जाता है हाथों में, राइट। सो सूप पी लेते हैं और उसके बाद मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। काम हो गया खत्म, ये पगड़ी भी हमारी ट्रीट हो गई है और अब ड्राई करने के लिए लगा दी गई है। वो पुरानी पगड़ी है वो भी साथ ही कर दी थी ब्लैक कलर के अंदर, और अब निकलते हैं थोड़ा सा बाहर का माहौल देखते हैं गेड़ी। टाइम ऑलरेडी हो चुका है 8:35, ऑलरेडी 8:30 एट द नाइट, खाने का भी टाइम हो रहा है तो खाना भी लेते हैं और फिर देखते हैं, राइट। पहले बाहर चलते हैं और फिर मूड बनाते हैं कि खाना क्या है, ठीक है, फिर बताते हैं आपको अगले अपडेट के साथ। आग लगी हुई तो देख ली होगी आपने और टाइम हो गया है 8:55, 5:09 एट द नाइट। ट्रैफिक हल्का हल्का मध्यम हो चुका है, मतलब कम हो चुका है ट्रैफिक थोड़ा थोड़ा, जो क्योंकि काम से आ रहे होंगे लोग अपने अपने घरों पे, अपने अपने ड्वेलिंग्स पे, अपने अपने ठिकानों पे पहुंच गए होंगे, सेटल हो चुके होंगे। हालांकि ठंड हल्के हल्के बढ़ चुकी है, फिलहाल जो गूगल पे टेम्परेचर दिखा रहा है वो तो दिखा रहा है 15 degrees। अभी जो मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का वार्निंग है सर्दी वाला, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन वाला, वो अभी है बाकी, और सुबह 6 बजे तक दोबारा से आज 7 degrees तक टेम्परेचर जाने की उम्मीद जताई गई है, पर जो अभी का 15 दिखा रहा है ना उसकी थोड़ी सी शंका है, क्योंकि ठंड इतनी है कि मेरे को अभी से लग रहा है कि 7-8-9 तो जरूर होगा। कोल्ड की कंडीशंस तो हैं और हल्के हल्के ना धुंध भी होनी शुरू हो गई है, फॉग, ये मेरे पीछे लाइट्स की कंडीशन देख के आपको पता लग रहा होगा। ये देखो फॉग के अंदर ये फ्लैग कैसा नज़र आ रहा है, ये फ्लैग कैसा नज़र आ रहा है ना फॉग के अंदर, हालांकि हल्का हल्का लहरा भी रहा है, हवा भी है चल रही, और फॉग जो है वो बढ़ रही है हल्के हल्के, क्योंकि दिन में तो धूप थी, तो धूप की वजह से धरती पे पड़ा हुआ जो पानी है लाइक वो इवेपोरेट होता है, और इस टाइम तक ठंडक बढ़ने से फॉग में बदली हो जाता है, और फॉग बढ़ रही है जिस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि सुबह होते होते तगड़ी फॉग पड़ने वाली है। बाकी देखेंगे सुबह क्या कंडीशन है, अगर जल्दी निकलेंगे तो, वैसे तो पक्का होता नहीं, हम जल्दी निकलते नहीं हैं, राइट।
और आज पहले तो मूड किया था कि ढाबे से जाके खाना ले लेते हैं, पर फिर यार ऐसे ही मूड कर गया, चले गए वही अपने शर्मीले वाले भाई के पास जो शर्माता ज़्यादा है, और उसे रोल पैक करा लिया है। और ये पीछे से आती हुई गड़गड़ाहट ना मेरे को बहुत डिस्टर्ब कर रही है, ये देखना अभी आएगा पीछे से ये आवाज़ आ रही है, ये आवाज़ ये पीछे ही रुक गया है शायद। एनीवेज खाना ले लिया है और चल के खाते हैं और इस वीडियो को कर रहे हैं यहीं पे ख़त्म। यहाँ तक अगर देख ली है तो लाइक किए बिना मत जाना, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए आए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन दबा लेना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना। राइट, साइनिंग ऑफ, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, नमस्कार, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल।